ब्लड प्रेशर लो हो गया इनका, इसके लिए कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, नाम, उम्र, वजन, शहर। जी नाम मेरा अख्तर है ते, और मैं इस मारे फोन किया है कि माड़ा ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो जी उम्र दसो। जी उम्र है मारी 56। 56 ते वजन? वजन कोई 70 किलो के ऊपर ही होती। ठीक है, अच्छा है। दसो के होया तुसा की, के प्रॉब्लम है? बस मारा ब्लड प्रेशर लो हो जाना। ब्लड प्रेशर लो जाना, कितना अरसे तो? ये आज कोई दूसरी तीसरी बार आज होया, तीसरी बार, दो बार आज दिन में जो ही रहा था, अगे एक दिन आया। अच्छा, ते ए दसो के सुबह नाश्ता के करने हो? जी नाश्ता के करने हो? नाश्ता में सही करनी है जे सीरियल भी खानी है, वीटामिक्स खानी है, ते सम टाइम जरा ना अंडा भी खानी है, ऑमलेट बनाई कि नहीं है वो कुछ नहीं उन्हें। मैं आज मैं खादा सीरियल सिर्फ तो वो थोड़ा जा दूध के कोई कुतरा चार चम्मच आने दिया। शुगर है? शुगर कोई नहीं, तो उस वजह मैं वो करनी होनी है रोज आना, तो मैं वो करने गया था बिल्कुल मर्जी चलन ना मैं लो ही गया, मैं परसीना आया उसे तो मैं बिल्कुल जान ख्याल को नहीं दी। कोई परेशानी की गल नहीं, इंशाल्लाह मैं जिक्र करना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाओ, इंशाल्लाह कोई नहीं, इंशाल्लाह ठीक है। ब्लड प्रेशर लो दी इतनी प्रॉब्लम नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए। दी अख्तर है, उनकी उम्र 56 है और 70 के जी इनका वजन है, ब्लड प्रेशर लो हो गया इनका, इसके लिए कुछ बताएं। इंशाल्लाह मैं कॉल्स हैं उनको शामिल करता हूं, लेकिन पहले इनके मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, 56 आपकी उम्र है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको शुगर भी नहीं है, तो एक दो खजूरें खा लें सुबह के वक्त में नाश्ते के अंदर, एक काम। दूसरा काम आप ये करें कि अंडा उबाल लें, अंडा उबाल कर सुबह के वक्त में खाएं, आमलेट ना खाएं। देखिए आमलेट्स का फायदा नहीं होता, जो हमारे आमलेट बनाते हैं ना, तो वो आमलेट मेरे का भी सत्यानाश कर देता है, तो आमलेट ना खाएं, उबला हुआ हाफ बॉइल एक खाएं, वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। तो दिन में आप जब आपका ब्लड प्रेशर दिन में ज्यादा लो होता है तो आप हर वक्त में जो है एक सुबह ले लें, एक दोपहर को ले लें, एक शाम को ले लें, उबला हुआ अंडा खा लें, साथ में आप कहवा बना लें वो पिए, और माशाल्लाह आप देखें आपका ब्लड प्रेशर बेहतरीन हो जाएगा जबरदस्त इंशाल्लाह।